हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नो गुरु। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट एरिक अंबोजी। ये मेरा चैनल, आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। यहां से मिलेगी आपको मेरे चैनल की हर तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और यहां पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेरे ऑफिशियल ब्लॉग पे जिसका नाम है techreader.com। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एडसेंस के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, काफी सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि उनको एडसेंस के रिगार्डिंग जो माइंड में क्वेश्चन रहता है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर सर्च करने के जो करते हैं एडसेंस के रिगार्डिंग, काफी सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि उनकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग है एडसेंस के अकाउंट में वो जीरो शो क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने एडसेंस के अकाउंट में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा होम पेज एडसेंस के अकाउंट का। अगर आप जब भी लॉगिन करेंगे एडसेंस के अकाउंट पे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरा बैलेंस है $44 अभी हो रहा है, थ्रेशहोल्ड मेट होने में टाइम लग रहा है। तो पहले तो आपको मैं बैलेंस दिखाता हूं कि इसको कैसे चेक करना है। यूर अर्निंग्स यहां पर लिखा रहा है, वी विल सेंड योर पेमेंट वंस योर पेमेंट थ्रेशहोल्ड इज रीच्ड। सो अभी मेरा 44% जो है थ्रेशहोल्ड रीच्ड हो चुका है, 46% अभी भी पेंडिंग है। तो मेरे को $46 चाहिए होंगे इसको और कंप्लीट करने के लिए $100। तो उसके बाद मैं चलता हूं दोबारा आपको लेके चलता हूं होम पेज पे। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको दिखाएगा एस्टिमेटेड अर्निंग। जी, आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग इसलिए जीरो शो कर रहा है बिकॉज जो आपका अकाउंट है वो होस्टेड है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो आपका जो अकाउंट है वो होस्टेड है। तो होस्टेड अकाउंट में क्या करता है शो, वो यहां पर आपको बैलेंस देगा और यहां पर आपकी परफॉर्मेंस दिखाएगा चैनल की। और अगर आप चाहते हो कि आपको पर डे की परफॉर्मेंस, आपको किस वीडियो पे सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है, किस पे कम हुई है, कितने डॉलर आपने किस वीडियो से कमाए हैं, कितनी क्लिक किस वीडियो पे हुई है, उसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मैन्युअली कैसे चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, तो आपका मैं ये क्लियर करता हूं माइंड में कि अगर आपकी यहां पर एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो जीरो शो कर रही है तो उसकी अपने माइंड पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर सकते हो यहां पर आपके चैनल की परफॉर्मेंस। अगर आपके चैनल की परफॉर्मेंस आ रही है, अगर आपका जहां पर सीपीसी जो है चाहे वो एक सेंट भी शो कर रहा है, 0.01 सेंट भी शो कर रहा है, दैट मीन कि आपकी अर्निंग हो रही है आपके चैनल की। और जिन लोगों का यहां पर जो सीपीसी है $0.00 शो कर रहा है, दैट मीन कि उनके चैनल की कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, चाहे उनके चैनल पर पेज व्यू आ रहे हैं, आरपीएम है, इंप्रेशन है, क्लिक्स है, सीआरटी है, लेकिन उसकी सीपीसी जो है वो 0.00 शो कर रही है, दैट मीन कि उनके चैनल की कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, उनको फोकस करना पड़ेगा अपने चैनल की सीपीसी बढ़ाने के लिए कि वो अपने चैनल की जो सीपीसी है उसको कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे मेंटेन करके रखें ताकि उनकी जो अर्निंग है वो आती रहे उनके अकाउंट में। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी सीपीसी के ऊपर काम करना है तो आप मेरी रिसेंट जो 2-3 वीडियोज हैं, मेरे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट भी है सीपीसी वाली, आपको मैं यहां पर लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो के राइट साइड ऊपर, तो आप वहां से चेक कर सकते हो आप अपने चैनल की सीपीसी कैसे मेंटेन कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो देना चाहता हूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये था सीपीसी के ऊपर बात। तो जैसे कि ये मेरी टुडे की परफॉर्मेंस है, 0.0 सेंट्स दिखा रहा है, 32 क्लिक्स हैं। मैं आपको कल की अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूं, तो यहां पर देखिए 34 क्लिक उससे हुए थे और जो सीपीसी था वो 0.02 सेंट्स चल रहा था। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहां से आपको लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस। तो ये जो फ्रेंड्स आपको दिखा रहा है, ये आपके प्रॉपर फुल फ्लेज चैनल की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि हर चाहे आपकी 100 वीडियो है चाहे 1000 वीडियो है, उनके ऊपर टोटल कितने क्लिक्स हुए, कितनी सीपीसी चल रही थी, पेज व्यू कितने थे, आरपीएम कितने थे और इम्प्रेशन कितने थे। और यहां पर आपको मैं लास्ट 28 डे की दिखाता हूं, तो यहां पर देखिए क्लिक्स इतना है मेरे, सीपीसी 0.02 सेंट्स है। तो मैं आपको भी दिखाता हूं कि आपको मैन्युअली वो परफॉर्मेंस कैसे, सॉरी, आपको जो मैन्युअली आपके वीडियोस के ऊपर परफॉर्मेंस है, मींस आपने हर एक वीडियो से कितनी अर्निंग की है वो कैसे चेक करनी है, ये आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स में। तो आपको क्या क्लिक करना है, कहां पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है यहां पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे। चाहे आप लैपटॉप से लॉग इन करा हुआ है आपने, चाहे आपने मोबाइल से क्लिक लॉग इन करा हुआ है, तो सेम प्रोसीजर है फ्रेंड्स, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्टली आना है होम के नीचे, यहां पर 3rd-4th टैब देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट की दिखेगी, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफॉल्ट रिपोर्ट्स के अंदर ले जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये एक अलर्ट आ रहा है यूट्यूब एडसेंस के लिए की तरफ से, ये आपको भी बताना चाहिए ये क्या है। यहां पर लिखा रहा है यूट्यूब अर्निंग विल बी एडेड टू योर एडसेंस पेमेंट पेज बिफोर द 15th ऑफ द मंथ एंड इंक्लूडेड इन योर पेमेंट इफ योर टोटल अर्निंग एक्सीड्स द पेमेंट थ्रेश होल्ड। सो दैट मीन आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स की जो एडसेंस क्या करता है, आपके चैनल की जितनी भी अर्निंग है वो 15th ऑफ एवरी मंथ आपके चैनल में ऐड कर देता है, 15th से पहले पहले। यहां पर लिखा रहा है बिफोर दी 15th, 15 तारीख से पहले पहले वो आपके चैनल की जितनी भी अर्निंग है वो आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड कर देता है मेन बैलेंस में। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा था
कि आपके ही चैनल में की परफॉर्मेंस क्या है। तो यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लिखा आ रहा है मेरा अभी, हाँ रुकिए, यहां पर मेरी लास्ट 7 डेज की जो परफॉर्मेंस वो शो कर रहा है। देखिए यहां पर टोटल एस्टिमेटेड अर्निंग यहां पर 0 शो कर रहा है, पेज व्यू इतना है, इंप्रेशन इतने हैं, क्लिक्स इतने हैं, आरपीएम इतने हैं, और इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें इस रिपोर्ट को। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अभी देखिए यहां पर शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है, व्यू शो कर रहा है, इंप्रेशन शो कर रहा है, क्लिक शो कर रहा है, आरपीएम शो कर रहा है, इंप्रेशन आरपीएम शो कर रहा है, और व्यूएबल दिखा रहा है, लेकिन यहां पर जो आपकी अर्निंग है टोटल अर्निंग वो नहीं दिखा रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लिखा रहा है फिल्टर्स। अगर आप फिल्टर्स के अंदर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको दो चीजें ऐड करनी है, होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट एंड यूट्यूब होस्ट। तो यहां पर क्लिक करूंगा मैं ओके भी, तो ये अप्लाई हो जाएंगे। यहां पर मेरे अंदर दो फिल्टर जो मैंने लगाए थे वो आ गए हैं। तो यहां पर देखिए अभी भी यहां पर एस्टिमेटेड अर्निंग 0 शो कर रहा है। नीचे चलेंगे, नीचे आपको दिखाएगा आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर अगर डेट के हिसाब से देखें, 30 जुलाई को मेरी जो अर्निंग थी टोटल वो $3.87 थी, और ऐसे ही 31 को मेरी $1.78 थी। तो ऐसे ही मेरी सारे के सारे दिनों की जो लास्ट 7 डेज की, क्योंकि मैंने यहां पर सिलेक्ट करा है लास्ट 7 डेज, आप यहां पर जाके डेट सेलेक्ट कर सकते हो, लास्ट 28 डे भी कर सकते हो सिलेक्ट, जैसे एक मंथ भी कर सकते हैं सिलेक्ट। देखिए यहां पर मैं क्लिक करूंगा अप्लाई पे, तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा 1 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, मतलब 1 महीने से ज्यादा की अर्निंग मेरी यहां पर शो करेगा। तो यहां पर टोटल अर्निंग में देखिए ये मेरी टोटल अर्निंग है चल रही है यहां पर, और मैं नीचे जाऊंगा लास्ट में, तो यहां पर ये देखिए मेरी टोटल जो है $33 जो मेरी एक मंथ की अर्निंग है वो शो कर दी इसने यहां पर। तो ऐसे एडसेंस ने हमें फीचर बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर ये देखिए यहां पर उन्होंने शो कर रहे हैं कस्टम चैनल एड फॉर्मेट, तो यहां पर मैं नहीं करूंगा, मैं डेज ही सिलेक्ट करूंगा। अगर चेक करेंगे व्यूज के हिसाब से, आप यहां पर व्यूज के हिसाब से चेक कर सकते हो, क्लिक्स के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि कितनी क्लिक्स हुई हैं आपकी। ये देखिए यहां पर लास्ट इतने डेज में मेरी टोटल अर्निंग है जो वो $16 शो कर रही है। पहले यहां पर टोटल अर्निंग शो नहीं कर रहा था, 0-0 शो कर रहा था, जब हमने यहां पर दो जो है वो शेव सेलेक्ट करे फिल्टर्स, उसके बाद उसने रिपोर्ट शो करनी शुरू कर दी हमें यहां पर टोटल अर्निंग के साथ। सो फ्रेंड ये था आपको मैनुअली आपको अपनी पर वीडियो के ऊपर कैसे चेक करना है कि कितने क्लिक्स हुए हैं, कितनी अर्निंग हुई है, जहां पर डे के हिसाब से आपको कितनी अर्निंग हुई है वो आपने चेक करना है यहां पर। सो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक। सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो 0-0 शो कर रही है तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने पर डे की परफॉर्मेंस यहां से चेक कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके जितने आपके डॉलर्स बनते हैं वो आपके इस बैलेंस में 15 तारीख से पहले पहले, हर मंथ की 15 तारीख से पहले पहले आपके अकाउंट में एड हो जाएंगे। तो मेरे साथ जो आज तक YouTube के साथ जो मेरी बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि मेरा 12 तारीख तक जो मेरी जो यहां पर परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से जो मेरी अर्निंग होती है वो मेरे मेन बैलेंस में ऐड हो जाती है। यहां पर आपको दोबारा से एक दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर व्यू ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो यहां पर शो करेगा मुझे वो सारी की सारी मेरी अर्निंग कितनी मेरे अकाउंट में कितनी वो एड करते रहे हैं। यहां पर ये देखिए, सो 1 जून से 30 जून की जो मेरी अर्निंग थी यहां पर उन्होंने ऐड कर दी थी, लेकिन सॉरी यहां पर डेट नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स ये होता है कि आप यहां पर लास्ट 3 मंथ की ट्रांजैक्शन देख सकते हो, दिस ईयर की ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि आपकी हर मंथ कितनी यूट्यूब ने आपके एडसेंस के अकाउंट में ऐड करी है। तो यहां पर ये देखिए, जैसे लास्ट में दिखाता हूं आपको, ये तो अभी मैंने चेक करा था, उसके बाद चलते हैं यहां पर। तो यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम के लिए मेरा चैनल जो डिसेबल हो गया था एड्स के लिए, तो ये वो थोड़ी सी इसके अंदर आ रही है, तो आप यहां से चेक कर सकते हो मैन्युअली कि आपके यूट्यूब के अकाउंट में यूट्यूब पे आपके एडसेंस के अकाउंट में कितनी अर्निंग जो ऐड करी है पर मंथ के हिसाब से। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज की वीडियो बनाने का टॉपिक। आप प्लीज बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस चीज की जरूरत है। काफी सारे जो दोस्त है परेशान रहते हैं कि अब मैं YouTube पे इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरी यहां पर जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो 0 शो क्यों कर रहा है, तो उसका ये रेजोल्यूशन है, आप उसको रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, मैन्युअली कस्टमाइज करिए रिपोर्ट्स को और उसको प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो कि आपकी पर डे के हिसाब से कितनी अर्निंग YouTube ने आपको दी है, कितनी आपके अकाउंट में एड हुई है। तो ऐसे ही आप अपने पर डे की परफॉर्मेंस यहां पर भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज डिसलाइक करिए मेरी वीडियो को, थम्स डाउन करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप करिए। अगर किसी भी तरह का सुझाव या कुछ मेरे से कुछ क्वेश्चन करना है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मेरी और भी काफी सारी ऐसी वीडियोज हैं जो आपके लिए फायदेमंद रह सकती है एडसेंस के रिगार्डिंग, आप उनको भी देख सकते हो मेरी वीडियोज के नीचे टैब में जाके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए टेक्नो गुरु के साथ। थैंक्स।